हेलो यू ऑसम एंड ब्यूटीफुल रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स, आप सभी का स्वागत है हमारे रियल एस्टेट हिंदी पॉडकास्ट ऊपर। सो आई एम योर होस्ट एंड दोस्त वक्त बामानिया। सो इस पॉडकास्ट के ऊपर हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग, फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट, ब्रांडिंग के बारे में, AI के बारे में, बहुत सारे रियल एस्टेट की इन्फॉर्मेशन आपके साथ हिंदी में शेयर करते हैं। सो एंजॉय दिस एपिसोड। हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वाले वीडियो के ऊपर। अगर आप इसको पॉडकास्ट भी सुन रहे हो तो आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के ऊपर भी। सो आज हम सीखने वाले हैं मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में कि आखिर में एक मेंटेनेंस चार्जेस होता क्या है। तो एक ऐसा चार्ज जो आपको, मान लो कि आप एक होम ओनर हो और आपने प्रॉपर्टी किसी को लीज पे दी है, मान लो कि आप एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो या फिर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट हो, तो आपने आपके पास भी मेंटेनेंस का कुछ कॉस्ट आएगा। तो किस तरीके से वो मेंटेनेंस होगा, जैसे कि बड़ी बड़ी जो टावर्स होती है वो किसी कंपनी को हायर करती है मेंटेनेंस जो करते हैं ना, मेंटेनेंस कंपनी उसको हायर करती है उस प्रॉपर्टी को मैनेजमेंट करने के लिए। तो उसमें कौन कौन से ऐसे मैनेजमेंट आता है, तो सबसे पहले है कॉमन एरिया। कॉमन एरिया का मतलब क्या है कि जहाँ पे आपका स्टेयरकेस है, लॉबी है, जहाँ पे आपका जो गार्डन है, स्विमिंग पूल है, जिम है या फिर पोडियम है, उसको क्लीन करने का जो चार्जेस आता है उसे बोलते हैं कॉमन एरिया के चार्जेस। दूसरा है यहाँ पे यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब है कि वहाँ पे जो वाटर सप्लाई है, पानी। वेट, अगर आप एक रियल एस्टेट प्रोफेशनल हो तो आपके लिए एक मैंने स्पेशल गिफ्ट तैयार करके रखा है। तो आपको विजिट करना है hitluxbamania.com/gift, तो आपको वहाँ से एक अमेजिंग सा गिफ्ट मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, एंजॉय दिस एपिसोड। इलेक्ट्रिसिटी है, सीवेज लाइन है, या फिर जो कचरा होते हैं तो कचरा को निकालने का जो डिस्पोजल है तो उसका भी एक मेंटेनेंस चार्ज रहता है, उसको बोलते हैं यूटिलिटी चार्जेस। तीसरा हमारे पास है रिपेयर का। रिपेयर का मतलब मान लो कि कहाँ वहाँ पर कुछ ऐसे पाइप टूट गए हैं या फिर कुछ ऐसा हुआ है जिनके कारण उसका पूरी सोसाइटी के ऊपर का मतलब कि डिफरेंस दिखता है, तो उससे भी बोल रहे हैं कि क्लीनिंग का हो गया, कुछ ऐसा कहीं पे रुक गया है, तो वो भी एक रिपेयर चार्जेस आते हैं। उसके बाद कलेक्शन आता है, तो एक इमरजेंसी फंड होता है, मतलब कि उसके लिए एक रिजर्व फंड होता है। रिजर्व फंड का मतलब क्या है कि आपका जो प्रोजेक्ट है या फिर आपकी जो मेंटेनेंस जो जगह है उसको मेंटेन करने के लिए आपने कुछ रिजर्व में फंड रखा है कि आप उसको फ्यूचर में किसी इम्प्रूवमेंट के लिए या फिर कुछ ऐसा नया साफ करने वाले हो तो वहाँ से उस वाले फंड को आप लेके वहाँ पे डाल सकते हो और वहाँ पे प्रॉपर्टी की इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। वो तो एक ये हो गया हमारा एक मेंटेनेंस चार्जेस। तो लास्ट वन है हमारा, लास्ट हमारा है कलेक्शन के बारे में कि ये वाला जो चार्जेस है वो प्रॉपर्टी ओनर या फिर जो टेनेंट है वहाँ पर रहने वाला वो कब देगा, एलोकेशन कब होगा उसका, कि ये एक महीने पर महीने आपको देना पड़ेगा या फिर 6 महीने में या फिर 1 साल में आपको डायरेक्टली उसका मेंटेनेंस चार्जेस करना पड़ेगा। और जितना भी आप मेंटेनेंस करते हो उसका ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी का मतलब कि मान लो कि जो आपकी जो मैनेजमेंट कंपनी है वो बता रही है कि हमने आज तक इतना सारा मेंटेनेंस किया, बट आप बोल रहे हो अभी तक मेरे को कुछ नहीं दिखाई दिया, तो ट्रांजेक्शन शीट होती है कि देखो हमने ये सारा कुछ काम किया, तो अपने जो क्लाइंट्स या आपके जो वहाँ पे कस्टमर्स रह रहे हैं तो उसको पता होना चाहिए कि आज हमारी प्रॉपर्टी के हमारे जो एरिया है कॉमन एरिया या फिर हमारे जो बिल्डिंग में उसमें इतना सारा काम हुआ है और उसका मतलब कि कितना चार्जेस है। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन होनी चाहिए। तो ऐसे सिंपल एंड ईजी वे में रियल एस्टेट की इन्फॉर्मेशन को सीखने के लिए इस वाले पेज को या फिर इस वाले यूट्यूब चैनल को या फिर इस वाले पॉडकास्ट को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कुछ नया सीखने में। हे, थैंक यू सो मच कि आप हमारे इस वाले पॉडकास्ट के एंड तक बने रहे हैं, तो दिल से थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वाले पॉडकास्ट से वैल्यू मिली है तो अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस वाले पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई के ऊपर सुन रहे हो तो प्लीज़ वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप एप्पल पॉडकास्ट के ऊपर सुन रहे हो तो वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और थैंक यू सो मच कि जो भी करो लाइफ में जोरदार करो, बी ऑलवेज हैप्पी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।